न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म करने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। जहां मल्लिका शेरावत को 1 आवर परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ मिल रहे हैं, वहीं नेहा धूपिया को दिए जा रहे हैं 40 लाख। जैकलिन चार्ज कर रही है 35 लाख और रणवीर सिंह को पे किया जा रहा है 50 लाख। प्रोड्यूसर कुमार मंगत चाहते हैं कि उनकी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म ओमकारा का सीक्वल बनाया जाए और वो इस सिलसिले में फिल्म के राइटर्स से मीटिंग करेंगे। वैसे अजय देवगन, सैफ अली खान और करीना कपूर की इस फिल्म ने काफी तारीफें बटोरी और 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते। प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने खुद ये बात कंफर्म की है कि वो मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाना चाहते हैं, मगर इसके राइट्स हासिल करने में और 2 साल लग जाएंगे। वैसे इस फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी और अर्जुन कपूर के अलावा सलमान खान विलन बने दिख सकते हैं। आमिर खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं, जिसमें वो अपने करियर, रिलेशनशिप्स और फिल्म इंडस्ट्री के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, लेकिन आमिर ये जानते हैं कि ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। सीरियल किसा इमरान हाशमी ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दिल तो बच्चा है जी, मर्डर 2 और द डर्टी पिक्चर की बैक टू बैक शूटिंग की, जिस वजह से पिछले 2 साल से उन्हें ब्रेक लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब इमरान ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल लिया है। वो फिलहाल गोवा में अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे कर रहे हैं।